हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नई वीडियो लेके तो गाइस आज मैं फिर से जा रहा हूँ मिलिट्री बेस में एक बार और यहाँ पे आने वाले भाई बहुत ही सारे बंदे और बहुत सारे क्लचेस हैं यहाँ पे। तो भाई लैंडिंग करता हूँ मैं। फिलहाल मेरी पिंग बहुत ज्यादा खराब आ रही थी भाई, 677 होकर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगी तो ये काफी अच्छी बात थी, नहीं तो मैं यहाँ पे खत्म हो जाता। खैर यहाँ पे गाइस मेरी पिंग हो जाती है ठीक है, बंदा मेरी वाली बिल्डिंग में लैंडिंग कर चुका है तो उससे पहले मेरे को गन मिल जाए तो सही है, नहीं तो भाई मेरे साथ स्कैम होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे गाइस मेरे को मिल जाती है VSS और भाई ऊपर बंदा भटक रहा है तो मेरा प्लान था कि भाई कोई और बढ़िया सी गन मिल जाए। मतलब VSS में यार 10 ही गोलियां, इतना एक्सटेंडेड मैग ना लगाओ तो इतनी खास गन नहीं ये, लेकिन अब घुसना पड़ता है यार ऐसे ही। बंदा है साइड वाले कमरे में, मैं वेट करता हूं, जैसे बंदा गेट से बाहर निकलता है बंदे को कर देता हूं मैं खत्म। यहां पे एक मोली फेंकता हूं जिससे कि ये निपट जाए। ये भैया जी रश मार देते हैं यहां पे, इसको मैंने डैमेज दिया हल्का सा। रिलोड करता हूं गन, उसकी भी रिलोड पे चली गई थी। और यहां पे इस वाले बंदे को मैं नॉक कर देता हूं फटाफट और खत्म भी कर दूंगा। और इसकी बैरिल अब मेरी हो चुकी है तो यार फटाफट लेता हूँ मैं इसकी गन। और भाई ऊपर से मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे तो भाई जाता हूँ मैं और यहाँ बंदा दिख जाता है मेरे को, खत्म कर देता हूँ मैं इसे। और फिर गाइस जाऊंगा मैं बीच वाली बिल्डिंग में क्योंकि यहाँ से बहुत देर से बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पे लूटने लगता हूँ, M4 लूटता हूँ। और यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदा दिखता है इधर नंगा पुंगा भागता हुआ, तो यहाँ पे गाइस मैं इसको पूरा खत्म कर देता हूँ। पता नहीं बेचारा कहाँ पे मतलब छुप के अपनी जान बचा रहा था। और यहाँ पे गाइस फिर इस वाली बिल्डिंग से बहुत देर से फायरिंग की साउंड आ रही थी तो भाई इसमें रश मारता हूँ मैं। सामने हल्का सा बंदा दिखा था मेरे को और रश मारता वो मेरे ऊपर, लेकिन बंदे को मैं पहले दिखा था दूसरी साइड तो वो बंदा उधर की तरफ रश मार रहा था, लेकिन मैं दूसरी साइड आ चुका था और भाई बंदे को कर देता हूँ खत्म इजीली। फिर गाइस एक बंदे के मेरे को इस वाली बिल्डिंग से फिर से बैठते तो मैं आता हूँ, लेकिन वो जंप लगा देता है सामने की तरफ तो यहाँ पे इसको मैं बहुत डैमेज देता हूँ भाई कसम से। गोली और लग जाती है ना, टच हो जाती पैर वैर में भी तो भाई गया था बंदा, लेकिन यार बच जाता है, भगने लगता है तो भाई पीछा करता हूँ इसका इससे पहले कि वो हेल्थ कर ले। और यहाँ पे इस बार बंदे को इसलिए निपटाया जाता है क्योंकि पहले मैंने बहुत डैमेज दिया था इसे। और यहाँ पे मैं इसे निपटाने की सोचा था हेडशॉट से, लेकिन ये हेलमेट चाहिए भाई मेरे को तो इसलिए पीछे मारता हूँ इसकी गोलियां। हेलमेट लेता हूँ लेवल 3 का। और यहाँ पे गाइस मेरे को बोर्ड जैसे फुटस्टेप्स आते हैं साइड से और, लेकिन वो बंदा निकलता है और यहाँ पे दिक्कत होते होते बच गई, लेकिन भाई इसको मैं खत्म कर देता हूँ और इसे लूट वूट करके थोड़ी हीलिंग करता हूँ और फिर निकलते ही हूँ। लेकिन जैसे इस वाली बिल्डिंग से मैं निकलने की सोचता हूँ ना कि भाई सामने वाले गेट से जाऊंगा, मेरे को आते एक बंदे के फुटस्टेप्स और वो मोली फेंक देता ऊपर और फिर रश मारने आता है, लेकिन भाई इसको मैं खत्म कर देता हूँ। भाई मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दिया भाई बंदे ने, बस यहाँ पे मैं बच गया पता नहीं कैसे, लेकिन बस बच गया। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करता हूँ मैं, हीलिंग करूंगा और फिर यार मेरा प्लान था पूरा निकलने का कि भाई अब तो निकल लेता हूँ, मतलब बहुत देर हो गई यहाँ पे। मेरा प्लान था फिर अपार्टमेंट वगैरह जाने का क्योंकि वहाँ पे बंदे आते हैं, तो मैं गाड़ी लेकर उधर से निकल लेता हूँ, मैं मिल्टा की साइड से जाऊंगा, लेकिन भाई पीछे से फायरिंग की साउंड आने लगती है तो घुमानी पड़ती है भाई गाड़ी मेरे को फिर से। तो यहाँ पे गाइस मैं गाड़ी रोकते ही हूँ, लेकिन एक बंदा मेरे बिल्कुल साइड में था, मेरे को काफी डैमेज देता साइड से, लेकिन भाई मैं खत्म कर देता हूँ उसे फाइनली। और यहाँ पे गाइस फर्स्ट एड मारता हूँ, सामने से बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, एक आ रहा है सामने से एक आ रहा है पीछे से घूम के, तो सबसे पहले इस सामने वाले को लपेटा जाता है। फ्री फायर लेकर जाता हूँ और बंदे को नॉक कर देता हूँ, फिनिश भी लगभग हो ही गया। वो पीछे से एक और बंदा आता है और इसको तो गाइस मैं पूरा ही खत्म कर देता हूँ। फिर गाइस एक बंदे के और फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को सामने से, इसको देखो भाई मतलब कंफ्यूज कर दूंगा मैं। देखो बंदे को लगा मैं अभी उधर की तरफ ही हूँ, लेकिन मैं घूम के बंदे को निपटा देता हूँ साइड से। तो यहाँ पे गाइस वाले क्लच के लिए एक लाइक मार दो अगर मजा आया तो, और भाई सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए इस वाले चैनल पे। फिर गाइस मैं उधर से गाड़ी लेकर निकलता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी में तेल हल्का सा कम था तो मेरे को यहाँ पे एक डासा दिख जाती है, तो मैं समझ चुका था भाई ये डासा देखो भाई स्पोन तो है नहीं और साइड से फायरिंग की साउंड भी आने लगी थी, तो भाई लपेटता बंदे को। पहले मैं सोचता हूँ नेड फेंक दूँ,
बंदा जंप लगा देता है और ये काफी अच्छी बात थी यार। फालतू मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती, मतलब क्या पता बंदा ऊपर टीवी भी लेकर बैठता और मेरे को निपटा देता है ना। लेकिन यहाँ पे बंदा काफी अच्छा था भाई, अपने आप जंप लगा था। तो यहाँ पे इसके M249 मेरी हो चुकी है। अब गाड़ी उठाता हूँ अगेन और मैं निकल लेता जोन में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वनएक्स बेट के बारे में, जहाँ पे आप प्रिडिक्शन करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, ई स्पोर्ट्स, टेनिस, बैडमिंटन, कहीं पर भी। तो गाइस इस वाली ऐप को ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छे लगे तो भाई आगे भी इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और इसमें गाइस आपको साइन अप करते के साथ ही मिल सकता है 7,000 तक का बोनस। और गाइस वो बोनस आपको जब भी मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि MRX हिंदी गेमिंग, जो आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो भाई नीचे आपको लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, वहां से जाओ और जल्दी से साइन अप कर लो और ट्राई करके देखो, क्या पता भाई आपकी प्रिडिक्शन सही निकल जाए। तो फिर गाइस मैं स्कूल अपार्टमेंट की तरफ आ जाता हूँ। भाई अपार्टमेंट में आज कोई नहीं मिलता, मतलब बहुत रेयर होती है चीज, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भाई सामने फायरिंग चल रही थी, एक गाड़ी दिख जाते हैं मेरे को, साइड में एक और स्क्वाड है ऐसे, तो यहाँ पे दो स्क्वाड है। तो भाई देखो ऐसे रुकने में तो फायदा नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ी देर राउंड ही मारता हूँ कि भाई देखते हैं, मतलब एक दो बंदे ऐसे निपट के गाड़ी वाड़ी से तो भाई मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्पीड वाले को कुचलने की सोचता हूँ, लेकिन यार रह जाता है बंदा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा साइड में होता तो मेरी गाड़ी ठुक जाती और फिर मैं गया था। अब यहाँ पे गाइस मैं समझ चुका था भाई दो स्क्वाड के बीच में पिसने का कोई फायदा नहीं है, और शायद से तीसरी भी है भाई, रोजो की पहाड़ी से भी कोई फायरिंग कर रहा था। तो यहाँ पे गाइस मैं तो इस वाले घर में हीलिंग करता हूँ, और अब यहाँ पे दो बंदों को मैं नॉक कर दूंगा और भाई खत्म भी कर दूंगा इन दोनों को। और इस वाले घर में गाइस मेरे को फ्लेयर मिल जाते, तो मैं फ्लेयर चला देता हूँ। सामने ये बंदा दिखता है, इसको मैं डैमेज देता हूँ, फिनिश भी कर दूंगा मैं इसे। और यहाँ पे गाइस मैं इसको खत्म कर देता हूँ फाइनली। और थोड़ी देर में इस वाली छत पे ऐसे लेटा था कि भाई और बंदे मिले तो उन पे एंगल लूंगा, और यहाँ पे देखना भाई मेरी किस्मत कितनी अच्छी होने वाली है। अचानक से मैं अपनी फ्लेयर ड्रॉप देखता हूँ कि भाई आ रही है, और मजे में लेट जाता हूँ, यहाँ पे मजे में कूद जाता हूँ पता नहीं क्यों। लेकिन ये चीज मैंने इतने सही टाइम पे करी है ना, मतलब भाई पीछे बंदे थे मेरे पे एम लेकर बैठे थे, अगर मैं वहीं लेटा रहता ना थोड़ी देर और भाई गया था, मतलब क्योंकि लेटे लेटे को यार बहुत इजीली निपटा सकते हो तुम। लेकिन भाई राइट टाइम पे मैं कूद जाता हूँ, पता नहीं क्या आया मेरे मन में, और यहाँ पे बच जाता हूँ मैं, नहीं तो भाई ये वाले बंदे मेरे को लपेट देते। और यहाँ पे मेरी फ्लेयर आ जाती है, लेकिन अब मैं लूट नहीं सकता क्योंकि भाई लपेटा जाऊंगा मैं। एक बंदा पीछे था, एक था ऊपर, इसको मैं पूरा खत्म कर देता हूँ, हीलिंग करूंगा यहाँ पे फटाफट। एक बंदा आ चुका है साइड वाले कमरे में नीचे, तो घुस जाता हूं मैं। थोड़ी देर से मैं छोड़ देता हूं कि इसके टीममेट आएंगे इसे बचाने, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है, तो यार लपेट देता हूं मैं इसे, क्योंकि भाई क्या ही फायदा था इसका, मतलब यहां पे बैठा रहा था बेचारा। फिर गाइस यहाँ पे जोन आने लगी थी, जोन काफी हेल्थ भी खाएगी। एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं इस वाली बिल्डिंग से, तो मैं वेट कर रहा था जब वो भागे उसके पीछे मैं जाऊं, क्योंकि मैं पहले निकलूंगा तो भाई पीछे से लपेटेंगे बंदे। और अब आती है मेरे को गाड़ी की साउंड, और एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं जो कि जंप लगाता है, तो भाई दूसरा बंदा इधर था और एक उधर था शायद से। और यहाँ पे गाइस मेरे साथ दुर्घटना होने वाली है अगेन, मतलब कुछ दिन से बहुत बुरी किस्मत चल रही है मेरी। भाई मैंने बंदे को ना गाड़ी में भी डैमेज दिया था, और फिर बाद में भी गोलियां मारी हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी मरता हूँ, मेरे को यहाँ पे प्रोन शूट वगैरह करनी चाहिए थी। खैर बंदे की भी हेल्थ काफी कम बची थी, मतलब एक गोली की बात थी, उसकी पहले लगी मेरी नहीं लगी।